आजकल सबको मित्र बनाने का शौक है। देखो पहले तो मित्र पहले पहचानो, समझो, जानो, ऐसे मित्र बनाते थे। आजकल तो मित्र बड़े फास्ट हो गए हैं साहब। आजकल तो जिसको जाने नहीं, शकल देखे नहीं, बस फोटो दिखे ना चाहिए कि फोटो सुंदर है, तू मित्र बन जाता है। मोबाइल पे फोटो मलुक हो, चाहे चलाने वाला कितना भी खराब हो। ये कई युवाओं के चेहरे जो है परेशान हो गए, महाराज को कैसे पता है, महाराज कोई पाताल में रहते हैं कि महाराज वहां सत्यलोक में से आए हैं? यही मृत्यु लोक में तुम हो, मृत्यु लोक में ही हम तो तमाम लोगों को मिलते ही हैं रोज। अरे भैया ये एक कहानी मुझे किसी ने भेजी, आप कहो तो याद बोल दूं मैं, बोलूं कि नहीं? आज मोबाइल के चक्कर में जितना घर टूट रहा है, बस न मां से प्यार, न पिता से प्यार, न पति से प्यार, न पत्नी से प्यार, सब कुछ प्यार तो मोबाइल से प्यार, सिर्फ मोबाइल से। अच्छा ईमानदारी से बच्चों से पूछो, तुम्हें मोबाइल चाहिए कि मम्मी? प्रैक्टिकल करके देख लो ना। ये जितने भी मोबाइल एरिया घूम रहे हैं, यहाँ टावर, मोबाइल टावर, ये सब, इनसे पूछो तुम्हें मम्मी चाहिए कि मोबाइल? बोलो क्या मांगेंगे? चुनेंगे मम्मी को? अभी मना कर रहे हैं, यही युवा बच्चे मना कर रहे हैं, यही कथा में बैठे, जो कथा में बैठे वो मना कर रहे हैं, तो जो फिल्म देख रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे? एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा और उसे लगा कि जैसे मुझे मेरे दिल में दर्द हो रहा है, तो वो परेशान सा हुआ और रूम में से उतर के आया नीचे। और रूम में से जब उतर के आया तो उसकी पत्नी, उसकी पत्नी कोई भी नाम रख लो आप, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यार, तो उसने अपनी पत्नी को कहा, ए सुनती हो? और वो मोबाइल में बिजी थी पत्नी। बोले जी। बोले हमको ऐसा लग रहा है कि हमको थोड़ी परेशानी सी हो रही है यहाँ, और थोड़ा पसीना सा भी आ रहा है, हम डॉक्टर को दिखा के आते हैं। वो मोबाइल देखती देखती बोली, ठीक है चले जाओ, और कोई बात हो तो वहाँ से फ़ोन कर देना। बेटा बेटी भी बैठे, वो भी अपना एक कोने में वो लग रहा है, एक कोने में वो लग रही है, एक कोने में माता जी अपना वो सीधे गॉड से चैटिंग कर रही होंगी, गॉड से, भगवान से। भारत की माता थी तो भगवान से ही चैटिंग चल रही होगी उसकी, एकदम पूरा थ्रू नहीं, डायरेक्ट भगवान का नंबर था उस पर, तो वहाँ लग रही थी। पति से कहा, जा तू हॉस्पिटल चला जा, फ़ोन कर देना। अब वो बाहर स्कूटी निकाली उसने, वो स्टार्ट कर रहा था तो वो उसे हो नहीं रही थी, किक मार रहा था, वो लग नहीं रही थी उसे, और उसको पसीना बढ़ता ही जा रहा था। तो वहाँ उसके घर में माली काम करता था एक, वो साइकिल पे आया और साइकिल पे आकर उसने देखा कि मालिक को पसीना आ रहा है। अरे मालिक क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बोले नहीं कुछ, मेरे यहाँ कुछ तकलीफ सी हो रही है और मैं थोड़ा सोच रहा हूँ डॉक्टर को दिखाया हूँ, ये स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसको वो जो परेशान सा था उसको, नहीं 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 आप स्कूटी तैयार स्टार्ट मत कीजिए, इस स्थिति में स्कूटी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, मैं करता हूँ। उसने स्कूटी स्टार्ट की, वो फिर बैठा कि मैं जाता हूँ। बोले आप क्यों जा रहे हैं, इस स्थिति में ये हालत है आपकी, आपको स्कूटी नहीं चलानी चाहिए, मैं चला के ले चलता हूँ। तो मालिक ने कहा, तुझे स्कूटी चलानी आती है, तू तो साइकिल चलाता है। बोले मेरे पास लाइसेंस तो गाड़ी का भी है, पर गाड़ी नहीं है, पर स्कूटी चलाता हूँ। तो वो उसके पीछे बैठ गया, वो जवान बेटा वहाँ बैठा अंदर। माली जो आदमी है, जो काम करता है, उसने स्कूटी संभाली और वो उस अपने बेचारे मालिक को लेकर गया हॉस्पिटल गया। तो उस स्कूटी को खड़ा किया और वो जाने लगा। बोले नहीं आप जाइए मत, जाइए मत, चलिए मत, बिल्कुल भी, आप यहीं रुकिए। व्हीलचेयर लेकर आया, उस पर बैठा ला, लिफ्ट के थ्रू वो सीधे आईसीयू रूम में लेके गया। डॉक्टरों को पता चल चुका था, डॉक्टर वहां तैयार थे, आईसीयू रूम में लेकर गए। डॉक्टर ने कहा आपको अटैक आया है और समय नहीं, ऑपरेट करना होगा, घर वालों को बुलाओ,
शीघ्र बुलाओ घर वालों को जो सिग्नेचर कर सके। मालिक मैं फोन करता हूं घर पे, और उस समय मालिक की आंखों में आंसू था। मालिक ने कहा, जब अब तक की सारी जिम्मेदारी तूने निभाई है तो एक और जिम्मेदारी तू निभा देना, एक और जिम्मेदारी, ये सिग्नेचर भी तू कर दे। बोले, मालिक मैं कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, घर वाले क्या कहेंगे अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाए। बोले, मैं इस लेटर पे पीछे लिख देता हूँ कि अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मेरे कहने से कर रहा है, जो भी कुछ जिम्मेदारी है वो मेरी है। उस मालिक ने ऐसा लिखा और उस बच्चे ने मालिक के कहने से सिग्नेचर किया। ऑपरेशन कई घंटे चला, ऑपरेशन के बाद उनको होश आया, और जब होश आया तो फोन आया, किसके फोन पे? उस मालिक के फोन पे। किसका? मालकिन का। कहां मर गया? अभी तक आया नहीं है, रोज रोज छुट्टी करके बैठ जाता है, कहां है तू? समय पे नहीं आता, और उल्टा से तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, तेरी सैलरी काट लूंगी, और न जाने क्या क्या बोली मालकिन। मालकिन तो मालकिन थी, मालकिन का रौब कुछ और ही होता है। उसने कहा, आप मुझे नौकरी से निकालना चाहें तो निकाल दीजिए, फिलहाल मैं मालिक के साथ हूं, मालिक हॉस्पिटल में है और आईसीयू में है। रोते रोते सुन रहा था वो व्यक्ति, और उसकी आंखों में आंसू था। वो ये सोचते सोचते दोबारा बेहोश हो गया कि उसको मालिक, उसको ये नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं जिसने मेरी जान बचाई है। घर से किसको निकलना चाहिए ये तो विधाता डिसाइड करे। घर वालों को पता चला, घर वाले आए, बेटा भी आया, बेटी भी आई, पत्नी भी आई, होश, आंखें खुली, दोबारा से वो तीनों के तीनों सर झुकाए खड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत पूछा वो सेवक का नाम लेकर, वो कहाँ है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा। तो पता चला 15-20 दिन पहले उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, बाकी का कार्य करने के लिए वो अपने घर गया है, और शायद उसको ये सब अनुभव उसी समय हो गया होगा कि आपको स्कूटी नहीं चलानी चाहिए, आपको पैदल नहीं चलना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए।